उमरान मलिक ने भारत के लिए फेंकी सबसे तेज गेंद, चमिका करुणारत्ने के हेलमेट में जा लगी और फिर हुआ गड्ढा। ऐसी अद्भुत गेंदबाजी करवा तोड़ा विश्व का सबसे बड़ा रिकॉर्ड, स्वयं अख्तर ब्रेटली जैसे गेंदबाजों को भी घसीटा पीछे। रिकॉर्ड जानकर आप भी करोगे सलाम, तो वीडियो में बने रहिएगा अंत तक। लेकिन उससे पहले अगर आप भी उमरान मलिक को नंबर वन गेंदबाज मानते हो तो वीडियो को जरूर लाइक करना। तो चलिए अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं वीडियो को। दोस्तों, भारत और श्रीलंका के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का दूसरा वनडे मैच भारतीय टीम के लिए काफी ज्यादा ऐतिहासिक रहा, क्योंकि इस मुकाबले में टीम इंडिया ने श्रीलंका की टीम को ईडन गार्डन्स के मैदान पर 215 रनों पर ही रोक दिया और भारतीय गेंदबाज छा गई, क्योंकि श्रीलंका के कप्तान ने भले ही टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया, लेकिन यह फैसला उन्हीं के ऊपर काफी गलत साबित हो गया, क्योंकि यहां पर अविष्का फर्नैंडो और नुवानिदु फर्नैंडो जब पारी की शुरुआत करने के लिए आए तो पहला बड़ा झटका अविष्का फर्नैंडो के रूप में लगा, जो कि 20 रन बनाकर ही पवेलियन लौटे। तो वहीं नुवानिदु ने भले ही 50 रन की पारी खेली, लेकिन दोस्तों उनका साथ सामने कोई भी बल्लेबाज निभा नहीं पाया और एक एक करके विकेट ऐसे ही जाते चले गए। और दोस्तों इस बीच भारत की तरफ से सबसे अच्छी गेंदबाजी उमरान मलिक ने करवाई, जिन्होंने मात्र 7 ओवर ही फेंके और 48 रन देकर 2 बड़े विकेट हासिल किए। और दोस्तों अपने 2 विकेट हासिल करने के दौरान उन्होंने 6.86 की इकोनॉमी से गेंदबाजी फेंकी। और दोस्तों इसी बीच उमरान मलिक ने एक तेज तर्रार रफ्तार की गेंद जब चरित असलंगा बल्लेबाजी कर रहे थे तो उनके सर में दे मारी, और दोस्तों इस गेंद की रफ्तार इतनी थी कि चरित असलंगा हिल गए, लेकिन यहां पर उन्हें कुछ चोट तो नहीं आई हेलमेट होने की वजह से। उमरान मलिक ने एक और तेज तर्रार रफ्तार की गेंद फेंक कर पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया, जहां उमरान मलिक की इस गेंद की रफ्तार लगभग 155 किलोमीटर प्रति घंटे की थी। और दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि उमरान मलिक ने एक बार फिर से ये 155 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंदबाजी करवा के ब्रेटली और सोएब अख्तर की सूची में शामिल हो गए हैं। जी हां दोस्तों, अब लगातार उमरान मलिक एक के बाद एक जितनी भी गेंदें फेंकते हैं वो 150 किलोमीटर प्रति घंटे के पारी जाती है। और दोस्तों उमरान मलिक की ऐसी शानदार गेंदबाजी देखकर पूरी दुनिया स्तब्ध है कि आखिरकार कोई गेंदबाज लगातार निरंतरता के साथ ऐसी गेंदबाजी करवा कैसे सकता है, क्योंकि उमरान मलिक अभी युवा खिलाड़ी हैं और जैसे जैसे वो आगे खेलते चले जाएंगे 10-15 साल बाद उनकी गेंदबाजी में और तीखापन आता चला जाएगा। और यहां पर उमरान मलिक अभी जो गेंदें 150-155 की रफ्तार से फेंक रहे हैं वो उस समय पर 160-165 भी हो सकती है। और दोस्तों सोएब अख्तर का रिकॉर्ड तोड़ने से अब उमरान मलिक महज 5-6 किलोमीटर प्रति घंटे के ही अंतर पर हैं। और अगर जिस दिन उमरान मलिक के हाथ से 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंद निकल गई तो आप समझ ही लेना कि सोएब अख्तर का अब रिकॉर्ड ज्यादा दिनों का मेहमान है नहीं। वहीं दोस्तों हम आपको बता दें कि उमरान मलिक के अलावा दूसरे वनडे मुकाबले में मोहम्मद सिराज ने भी भारतीय टीम को मैच जिताने में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जहां मोहम्मद सिराज ने मात्र 5.4 ओवर फेंकते हुए 30 रन देकर 3 बड़े विकेट हासिल किए और टीम इंडिया यहां 215 रनों पर ही श्रीलंका की टीम को रोक पाने में कामयाब हो सकी। बाकी अब आप सभी की क्या राय है उमरान मलिक और मोहम्मद सिराज की शानदार गेंदबाजी के बारे में, और आप इनकी गेंदबाजी को 10 में से कितने नंबर दोगे? अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा।